पाली में शिवसेना ने फूका एकनाथ शिंदे का पुतला। पाली शिवसेना जिला प्रमुख सोहन सिंह राव के नेतृत्व में सभी शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे का पुतला बनाकर उसकी शव यात्रा निकाली और फिर उसका मुंह काला कर शिवाजी सर्कल पर जलाया गया। सभी शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के प्रति काफी गुस्सा और विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बता दें कि काफी गुस्सा और विरोध के साथ साथ सोहन सिंह राव ने बताया कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ जो गद्दारी की है उसके लिए कोई भी शिव सैनिक माफ उन्हें नहीं करेगा। जय श्री राम, जय भवानी। आज पाली शिवसेना परिवार ने एकनाथ शिंदे का शिवाजी सर्कल पर शव यात्रा निकालकर फूका पुतला। सभी शिवसेनाओं में आक्रोश था और आंखों में गुस्सा था कि ऐसे शिवसेना के साथ जो गद्दार करने वाले उनके साथ शिवसेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और सत्ता की लालसा रखते हुए और वो महाराष्ट्र के सीएम बनने की लालसा रखी उसने, बाला साहब ठाकरे ने, जिसको ऑटो रिक्शा चलाने वालों को आज एमएलए बनाकर उनके बेटे को सांसद बनाया और उस पार्टी के साथ उसने गद्दारी की और सभी एमएलए को अपहरण कर मारपीट कर बड़ी बदसुलूकी करते हुए सभी को अपहरण करके पहले सूरत लेके गया, फिर वहां से गुवाहाटी लेकर ले जाकर उनको अपहरण करके रखा और दावा कर रहा है कि सभी एमएलए उनके साथ में, जबकि सभी एमएलए उद्धव साहब के साथ में है, केवल 3-4 एमएलए उनके साथ में मिलकर और किसी पार्टी ने प्रलोभन दिया कि सीएम तुम्हें बनाएंगे। ऐसी सत्ता की लालसा शिवसेना की पार्टी में नहीं होती है। शिवसेना 80% सेवा और 20% राजनीति करती है और फिर शिवाजी सर्कल पर जोरदार विरोध किया गया पाली। जय श्री राम।